हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे मिस्टर मैच चैनल पे, जिसमें मैं आपको जो है अपडेट देता रहता हूं रिगार्डिंग कॉलेज के हो या इलेवन ट्वेल्थ के हो। ठीक है, तो आज की क्या इन्फॉर्मेशन है वो मैं बता दूं। आज की जो इन्फॉर्मेशन है कि जो 10 तारीख को यानी 10 जुलाई को जो आपके एग्जाम होने थे वो हो गए आपके पोस्ट पोन, यानी आपका जो ओपन बुक एग्जाम होना था ओबीई जो होना था आपका वो उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। रीजन आपके सामने साफ थी कि जब उन्होंने ऑफिशियली तौर पर उन्होंने एक मॉक टेस्ट लिया था और मॉक टेस्ट में क्या एक प्रॉब्लम आ रही थी कि पहले जिन बच्चों को अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रही थी और दूसरा ये कि बच्चों को उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे थे। यानी अगर कोई साइंस साइड का है बीसीए कर रहा तो उसको कह रहा भाई तू ये काला जो है मॉक टेस्ट कर, मतलब उनको उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट नहीं दिया गया। उन्होंने उनसे कहा गया कि आप इनमें से कोई सा भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं ट्रायल के लिए, बट ये इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रही थी, सर्वर डाउन हो जा रहा था बच्चों को। तो ये सारी चीजें आने के बाद तो कुछ लोग हाईकोर्ट में गए और वहां से जो है कुछ बात हुई है, तो उसमें जो है ड्यू ने ये फैसला लिया है कि जो 10 जुलाई को जो एग्जाम होना था उसे पोस्टपोन कर दिया गया है और वो जो एग्जाम लिया जाएगा वो लिया जाएगा 30 सितंबर के अंदर अंदर, यानी 30 सितंबर के अंदर अंदर जो है उनको ये एग्जाम कंडक्ट कराना है। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि अगर 30 सितंबर के अंदर अंदर एग्जाम होंगे तो इसका मतलब है दो संभावनाएं हो सकती है। पहला, या तो वो ऑनलाइन एग्जाम लेंगे जैसे कि ओपन बुक एग्जाम है, उसके लिए कुछ पोर्टल वगैरह बनाएंगे अपना ही सही से, सर्वर वगैरह सही चले, या वो ऑफलाइन लेंगे। वही दिक्कत देखो, अगर ऑफलाइन हो गया तो यानी आपको पढ़ना पड़ेगा, हाँ या ना, क्योंकि आपको कॉलेज में जाके एडमिशन और सॉरी कह रहा ना कॉलेज में जाके आपको एग्जाम देना पड़ेगा एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो जैसा कि निर्देश भी दिए गए हैं कॉलेजेस वगैरह को, अपने कॉलेज वगैरह सैनिटाइज सही से कर लें ताकि जब एग्जाम वगैरह अगर कंडक्ट हो तो बच्चे एग्जाम देने जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर इस तरीके की अगर आ रही है तो इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है कि ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन ले, लेकिन मैं 90% चांसेस यही लग रहा है कि वो ऑनलाइन ही एग्जाम लेंगे। ठीक है ना, लेकिन अगर वो 10% मैं कुछ कह नहीं सकता, तो इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप पढ़ते रहे थोड़ा थोड़ा ताकि आपको भी हेल्प मिलेगी कि अगर ऑफलाइन एग्जाम होने लगा यानी कॉलेज में जाके अगर आप एग्जाम देने लगे सेंटर पे तो बेसिकली फिर आपको दिक्कत ये होगी कि आप ओपन बुक एग्जाम के भरोसे बैठे थे बट आपका एग्जाम जो है ऑफलाइन हो गया। तो ये कुछ और नोटिफिकेशन आई है 8 जुलाई की यानी कल की थी, तो मैं चाहता हूँ एक बार आप भी जाके वहां चेक करिए कि क्या नोटिफिकेशन आई है, और मैं जो है इसकी प्रॉपर नोटिफिकेशन जो है मैं अपने फेसबुक पेज पे जरूर अपलोड करता हूँ मिस्टर मैक्स सर पे, आप वहां पे जाके प्रॉपर गाइडलाइंस देख सकते हैं जो यूनिवर्सिटी के थ्रू आया है। तो मैं चाहता हूँ आप जरूर उस चीज को देखें और प्रॉपर डीपली में देखें, पूरा इन्फॉर्मेशन वहां दे दिया है मैंने, यहाँ तो मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा आपको जानकारी दी है। ठीक है, तो आपका काम बस ये है कि आप डे टू डे अपडेट रहे। ठीक है ना, उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ और जो भी इन्फॉर्मेशन होती है मैं अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, तो आपसे निवेदन यही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, और अगर आपने कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, दोस्तों में भी शेयर करें ये वाली बात। और ये इम्पोर्टेंट चीज थी, क्यों, क्योंकि अगर ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन होने लगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहें, बाकी की अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपसे जरूर कहूंगा, और प्लीज आप मेरे इंस्टा और एफबी पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।